कैप्शन कह रही थी कि जहां पे भी हो डू नॉट टू एक्सप्रेस फर्स्ट क्लास बुक रिव्यू देख रहे हैं साथ फूड भी है तो उसके लिए भी हो जाएगा और बड़ी जबरदस्त सी स्पेशल ट्रेन चलती होने वाली है देखते हैं और उस पे रिएक्शन देते हैं आप हमारे साथ रहिएगा। हेलो व्यूअर्स, सो वी आर हियर विद अ न्यू धमाकेदार एक्शन वीडियो एंड दिस एक्शन वीडियो इज द रोड टू एक्सेप्ट फर्स्ट क्लास कूप फूड रिव्यू मॉनसून स्पेशल ट्रेन जर्नी एट कोंकण रेलवे। एज यू नो हमने ना रिएक्शन दिया था कोंकण रेलवे पे वो मलदोवी एक्सप्रेस पे जिस मेरा खाना ही खाना था। अगर नहीं देना जल्दी जाके बोलते हैं इस पे लेके देखें तो हमने टोरंटो को बाहर से नाम सुना पर बाहर से देखी भी हुई है लेकिन हम तो नहीं देखी तो जल्दी देखते हो जानते सारे मेहमान जाके धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में और उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं हूँ शाद मेरे लाइफ पर रिएक्शन मोस्ट स्पेशल ट्रेन जर्नी स्टार्ट नाउ। और हमें यहाँ पे कुछ मिला भी है जो कि मैं आके दिखाता हूँ आपको। वैसे मेरे ट्रैक पैंट के कलर को देखो लग रहा है कि मैं राजधानी फैन हूँ जो कि मैं हूँ, मैं राजधानी फैन ही हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का मैं शुरुआत कर रहा हूँ एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन से। हाँ जी, मैं अभी केरला में हूँ और हाँ केरला में घूमने नहीं आया हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाया हुआ है। यहाँ का जो मेन जगह है जैसे एलपी हो गया वो सब जगह मैंने घुमा हुआ है तो अगर वो सबका वीडियो देखना है तो मैं ट्राई करूंगा आई बटन में लिंक दे देने का, देख लेना आप लोग। और आप में से काफी लोग पूछते हैं मोहित भाई आई बटन होता कहाँ पे है, तो ऊपर में देखो इस साइड नहीं तो इस साइड आपको दिख जाएगा आई बटन। अगर यहाँ भी नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, वीडियो का एंड में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, वो भी देख सकते हो आप लोग। फिलहाल अभी तो मैं स्टेशन में हूँ और स्टेशन में होने का रीजन आपको पता है क्या है, मैं आज जर्नी करने वाला हूँ दुरंतो एक्सप्रेस में जो कि है एर्नाकुलम मुंबई एसी दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 1224। मैं मुंबई तक नहीं जा रहा हूँ, मैं मडगांव तक जा रहा हूँ। ऑल राइट, तो देख लो यही मेरा ट्रेन है 1224 एर्नाकुलम मुंबई LTT एसी दुरंतो एक्सप्रेस। 9:30 बजे यहाँ से निकलेगा लेकिन प्लेटफॉर्म अभी तक आया नहीं है। वैसे आज का हमारा जर्नी होने वाला है फर्स्ट एसी में, बहुत दिन हो गया था फर्स्ट एसी पे जर्नी किए हुए, तो चलो भाई आज करते हैं वापस से। पहले तो क्लॉक रूम से अपना लगेज रिसीव करते हैं, मैं यहीं पे रख के चला गया था। ऑल राइट, अभी हम लोग स्टेशन के अंदर तो आ गए और यहाँ आकर हम लोगों ने अपना लगेज भी रिसीव कर लिया है। लॉकर रूम में हम लोग रखे थे तकरीबन 3 घंटे के लिए, ₹60 लगा। और वैसे देख लो मेरा जो ट्रेन है ना दुरंतो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, ये चीज काफी अच्छा रहता है भाई, इतना भारी लगेज ले जाने में ना काफी आराम रहता है। हाँ जी, तो देख लो ट्रेन अपना यही है और ये देख लो एर्नाकुलम जंक्शन। फर्स्ट एसी में दिक्कत क्या होता है मालूम है, आपका जो कोच है ना एकदम सामने की तरफ मिल जाता है। बाकी ट्रेन ऑलरेडी अपना आ चुका है, 9:30 बजे इसका यहाँ से डिपार्चर टाइम है और सुबह 10 बजे इसका टाइम है मडगांव पहुंचाने का। टिकट फेयर वगैरह के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा, पहले ट्रेन के अंदर जाता हूँ मैं, उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। लो जी, अभी हम लोग अपने कोच के पास तो पहुंच गए हैं और सबसे अच्छा बात पता है क्या है, हमें दुरंतो का देख लो वो आइकॉनिक कोच मिला है जो दुरंतो का पहचान है। अदरवाइज बाकी का कोच देखो वो लगता है राजधानी का डब्बा जैसा, बट ये वाला लगता है कि हाँ भाई चलो दुरंतो में मैं जर्नी कर रहा हूँ। चलो जी जाते हैं अपने कोच के अंदर, गेट वगैरह तो सब कुछ ओपन है। और एक चीज देख लो भाई साहब, हमें सेकंड फ्लोर में अभी जाना होगा, इतना भारी भारी लगेज को ना ऊपर रखने में हालत खराब हो जाता है। सारे दुनिया का बोझ हम उठा। वैसे मेरे ट्रैक पैंट के कलर को देखो लग रहा है कि मैं राजधानी फैन हूँ जो कि मैं हूँ, मैं राजधानी फैन ही हूँ। चलो कोई नहीं, जाते अपने कोच के अंदर। ओ हो, चरम सुख, दिल फेफड़ा सब कुछ खुश हो गया भाई ये ठंडकपन से। वैसे यार अंदर में सजावट देख लो भाई साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये बी है अपना, वैसे डी है। ओ भाई साहब हमें कूप मिला है, पहले तो सारा लाइट्स ऑन करते हैं। हाँ,
केविन मिला है। हम देखना चाहते थे तुम्हारा रिएक्शन। भाई साहब मेरे को तो प्रॉपर एक नींद चाहिए था। आपको ही पता है मेरा जो जर्नी है सुबह से ही चल रहा है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। हम लोग जो कोयम्बटूर से एर्नाकुलम आए थे बाई ट्रेन, 2 hours में हम लोगों ने जर्नी किया था। फिर एर्नाकुलम पहुंचने के बाद हम लोग कहीं रेस्ट नहीं किए, चले गए थे ऐसे ही आसपास घूमने के लिए। और अभी वापस एक ट्रेन, बैक टू बैक ट्रेन जर्नी, बैक टू बैक ट्रेन जर्नी। बाकी कुछ ऐसा ही है देख लो अपना। अभी जो ये वाला सीट है दोनों तो अपना ही है, तो इसको ऊपर की तरफ कर दिया। इससे क्या होता है ना, स्पेस ज्यादा लगने लगता है। तो यही अपना देख लो फर्स्ट एसी को। वैसे मैं जब श्रीलंका में था ना तभी सोच के रखा था भाई जैसे इंडिया जाएंगे एक फर्स्ट एसी कोई जर्नी करेंगे, चाहे वो राजधानी का हो या दुरंतो का हो। इस वाले रूट में मैंने पहले भी जर्नी किया है। मैं ये सेम रूट में मडगांव से एर्नाकुलम आया था राजधानी से, फिर एक बार मैं त्रिवेंद्रम से न्यू दिल्ली गया था इसी रूट से, वो भी राजधानी से। दोनों ही फर्स्ट एसी पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सेकंड एसी पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन एक भी वीडियो मेरा दुरंतो पे नहीं था। और आपको ही पता है दुरंतो मतलब पहले ऐसा रहा नहीं, एक तो काफी ज्यादा डिले करता है, सर्विस तो एकदम ही जीरो हो गया है। और काफी दिनों बाद ऐसे मेरा फर्स्ट एसी में जर्नी हो रहा, नहीं तो मैं दुरंतो के सेकंड एसी या थर्ड एसी में ही जर्नी कर रहा था इतने दिन से। अभी देखते हैं फर्स्ट एसी का इसका सर्विस कैसा है। लकीली इस बार हमें कूप मिल गया। आपको भी पता है कितने दिनों बाद मैं ऐसा कूप का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, फर्स्ट एसी कूप जर्नी, नहीं तो वही केबिन ही मिल जाता था मेरे को घुमा फिरा के। और कूप में हम जैसे व्लॉगर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आराम से मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ। फूड रिव्यू आप लोग बोलते थे मोहित भाई आपका फूड रिव्यू आजकल नहीं आ रहा है, तो लो भाई आज आराम से आएगा, आराम से बैठ के फूड रिव्यू करेंगे भाई। मतलब जैसे एक होता है ना प्रॉपर रिव्यू देना खाना का, सब कुछ मिलेगा आपको। सबसे मेन बात कि मैं एर्नाकुलम से मडगांव तक के लिए कितना पे कर रहा हूँ इस ट्रेन में, तो मैं बता दूं मैंने किया अपना फर्स्ट एसी में टिकट। और आपको ही पता है फर्स्ट एसी का जो कूप होता है केबिन होता है, रेट दोनों का सेम ही होता है। और जब आप बुक करोगे ना तब आपका सीट अलॉट नहीं होता है, जब चार्ट बनता है ना 4 घंटे पहले तब आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपको केबिन मिला है या कूप मिला है, दोनों का प्राइस सेम ही रहता है। अब अगर मैं बात करूं फेयर का तो मैं बता दूं मैं एर्नाकुलम से मडगांव तक के लिए 2 टिकट के लिए पे किया है 7,000 रुपए, जिसमें समझ लो वही 3,500 रुपए करके पर पर्सन, और इसमें कैटरिंग भी इंक्लूड है। अब खाना किस टाइप का है क्या है नहीं है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी सबसे बड़ा ये है ना कि पता नहीं रात में डिनर देंगे कि नहीं, क्योंकि 9:30 बजे इसका डिपार्चर टाइम है। 9:30 बजे पता नहीं डिनर देंगे कि नहीं है, अगर देंगे तो वो भी दिखाऊंगा मैं, अगर नहीं देंगे तो वो भी बता दूंगा मैं। लेकिन ब्रेकफास्ट मिलेगा ये तो श्योर हूं मैं। और अभी ना काफी कुछ देकर गए हैं जो कि मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं बता दूं अपने ट्रेन के टाइमिंग का, रूट का। तो टाइमिंग मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया, एर्नाकुलम से निकलने के बाद ये जो ट्रेन है एक ही बार रुकेगा लगभग रात के 12:40 में कोझिकोड़े मेन। फिर इसका जो दूसरा स्टॉप है वो है लगभग सुबह के 4 बजे मतलब 3:55 में मंगलुरु जंक्शन। उसके बाद सुबह के 10 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे मडगांव, और मडगांव के बाद बस इसका एक ही स्टॉप है रत्नागिरी। उसके बाद ये ट्रेन डायरेक्टली पहुंच जाएगा लोकमान्य तिलक टर्मिनस। वैसे ही जो ट्रेन है एर्नाकुलम से मुंबई तक टोटल 1,292 किलोमीटर कवर करता है, वो भी 24 घंटे 15 मिनट में 4 हॉल्ट के साथ। चारों हॉल्ट मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया। और ये जो ट्रेन है वीक में बस 2 दिन ही चलता है, एर्नाकुलम से ये चलता है संडे एंड वेडनेसडे, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ये चलता है मंडे एंड थर्सडे। वैसे इस ट्रेन का जो इनॉग्रल रन है ना वो हुआ था 14 जनवरी 2011 को। टोटल कोच का मैं अगर बात करूं ना तो 1 फर्स्ट एसी है, 2 सेकंड एसी है, 6 थर्ड एसी है और 4 स्लीपर क्लास भी है इसमें, और 1 पेंट्री कार है। तो आज भाई बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस ट्रेन के बारे में, रूट के बारे में। रूट के बारे में तो ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि बाहर ऑलरेडी काफी डार्क है। और वैसे अभी 9:30 बजने वाला है, ट्रेन अब निकलने वाला है अपना, तो एक काम करते हैं जाते हैं गेट पे डिपार्चर दिखाते हैं आपको। और बस 1 मिनट में अपना ट्रेन यहाँ से निकलने वाला है, और हमें यहाँ पे कुछ मिला भी है जो कि मैं आके दिखाता हूँ आपको। वॉशरूम भी इसका काफी यूनिक लग रहा है, सब कुछ दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। लो जी एकदम टाइम पे सिग्नल भी हो चुका है, देख लो टाइम अभी 9:30 बज रहा है एग्जैक्ट अभी। तो ट्रेन अपना तैयार है निकलने को एर्नाकुलम जंक्शन से, ये देख लो सिग्नल भी हो चुका है। चलो ट्रेन अपना निकल चुका है, जय माता दी। वैसे ये वाले सीट को तो ऊपर हम लोग कर लिए हैं, और यहाँ पे देख लो पिलो ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ मिल चुका है, कुछ इस टाइप का ब्लैंकेट है अपना। और सबसे मेन देख लो जो बेडशीट वगैरह होता है ना, टाल वगैरह होता है, वो इस बैग में आया हुआ है ये सारा बेडशीट। और सबसे मेन चीज देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कृपया इस खाली बैग को साथ लेके जाएं। चलो भाई रेलवे ये दे रहा है यही बहुत है। पीछे में देख लो महाराष्ट्र टूरिज्म को प्रमोट भी करने का कोशिश किया गया है यहाँ पे, ठीक है बढ़िया है। अभी टाइम वैसे हो रहा है 9:56 और ट्रेन अपना निकल चुका है एर्नाकुलम से। और एक बात मैं बता दूं, इस ट्रेन में डिनर नहीं मिलता है। अगर आप दुरंतो से मुंबई जा रहे हो तो इस ट्रेन में डिनर नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने बताया था शायद ही चांस है मिलने का, क्योंकि 9:30 बजे इसका डिपार्चर टाइम है। वैसे काफी लोग डिनर करके ही आते हैं वैसे इतना रात को, तो डिनर तो अपना मिलेगा नहीं, तो इसलिए देख लो मैंने अपने लिए सूप ले लिया है। 20 रुपए का सूप है और 20 रुपए का ये प्रीमिक्स चाय है। चाय लवली पिएगी, ये मैं सूप पीऊंगा, और ये जो सूप है ये मेरा है, तो दोनों 20-20 रुपए का मैंने लिया है। डस्टबिन वगैरह है, और ये लाइट काम करता है कि नहीं,
काम तो करता है, बाकी सही है। चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब कुछ काम कर रहा है, चार्ज वगैरह मैंने लगा दिया है। और जैसे ही ट्रेन अपना निकला, सबसे पहले तो बेडिंग वगैरह देकर गए, उसके बाद दो वाटर बॉटल भी हमें मिल गया है। अभी लगभग 10 बज चुका है, पहला स्टॉप है इसका लगभग 12:40 में, लगभग रात के 1 बजे तक आएगा। अगर जगह रहा तो जरूर दिखाऊंगा मैं। हाँ जी, तो नीचे अपना बेड लग चुका है और टाइम अभी देख लो कितना हो रहा है, लगभग रात का 11 बजने वाला है। जा रहा है सोने के लिए, नींद बहुत जोर का आ रहा है मेरे को। तो अभी मस्त देख लो, एकदम सोने वाला माहौल बन चुका है। फिलहाल अभी के लिए गुड नाइट। फर्स्ट इसी कूप में, अगर आपको एकदम आराम से जाना है ना, बिना किसी डिस्टरबेंस के आप आराम से जा सकते हो। यही चीज हमारे साथ भी हुआ। एक्चुअली हम लोग तो बहुत थके हुए थे और बस सोए, और उसके बाद तो ऐसा नहीं है ना, जैसे क्या होता है देखो, सेकंड एसी थर्ड एसी में क्या है कि बार बार कोई ना, इवन अगर फर्स्ट एसी में भी अगर केबिन होता ना, तो आसपास वाले पैसेंजर या फिर कभी उठे हो या फिर उनका फोन आया हो, तो बीच बीच में ना मतलब नींद खुलते रहता है। और इसमें क्या है, कूप में क्या है, आप गेट लॉक किए तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं, क्योंकि अब एक ही बार आपको अपने डेस्टिनेशन में ही जाना है और उसके बीच में तो कोई आएगा नहीं डिस्टर्ब करने के लिए। अभी सुबह 6 बजे सोकर उठा है, कब कोझिकोड आया कब मैंगलोर आया कुछ पता नहीं चला भाई। अभी सुबह 6 बजे मम्मी का फोन आया तब मैं सोकर उठा। चलो कोई नहीं, बाहर के कुछ नजारे दिखाते हैं, मैं भी थोड़ा फ्रेश होकर आ जाता हूँ, थोड़ी देर में अपना ब्रेकफास्ट भी सर्व हो जाएगा तो वो भी दिखाते हैं। वैसे कल मैंने आपको वॉशरूम नहीं दिखाया था, अभी दिखा देता हूँ। तो देख लो ये फर्स्ट एसी का वॉशरूम है। तो देख लो इस एर्नाकुलम मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस का फर्स्ट एसी का वॉशरूम कुछ ऐसा है। टैप तो एकदम नया तरीके का लग रहा है यार। बाकी इधर एक बड़ा सा मिरर। हाँ जी, तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। अभी मस्त एकदम फ्रेश होकर आ गया हूँ मैं, और अभी ना आपको बाहर के नजारे दिखाता हूँ। एक्चुअली कोई बिजूर रेलवे स्टेशन है, वहीं पे अपना ट्रेन रुका हुआ है। एक दो ट्रेन भी पास हुआ, मैं वॉशरूम के अंदर था तब। तो देख लो जी बाहर के नजारे, ग्रीनरी है चारों ओर। तो भाई इस रूट में तो भाई आपको ऐसे ही नजारे दिखेंगे। बाकी चलो कुछ बाहर के शॉट्स सब लेता हूँ, वो एंजॉय करो आप लोग। वैसे अपना आज का जो मॉर्निंग का शुरुआत हुआ है कर्नाटका से, कितना जल्दी जल्दी हमारा स्टेट चेंज हो रहा है। लो भाई साहब, एक तो इतना ग्रीनरी और ऊपर से अभी बारिश भी स्टार्ट हो चुका है। लो जी भाई साहब, अभी तो ट्रेन भी रुक चुका है अपना, बारिश भी एकदम मजे में हो रहा है। जो चीज मुझे चाहिए था इस वाले रूट से, वो चीज मुझे मिल रहा है अभी। वैसे ट्रेन अभी अपना रुका हुआ है, शायद हो सकता है कोई ट्रेन क्रॉस करने वाला है, लेकिन मजा आ रहा है यार। हल्का हल्का बारिश हो रहा है ना।
ठीक है, देखते देखते अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुर्देश्वर। मतलब यहाँ स्टॉप नहीं है इस ट्रेन का, मतलब मुर्देश्वर का हम लोग स्किप करेंगे। वैसे आसपास के नज़ारे देख लो भाई साहब, ये आ गया मुर्देश्वर। वैसे ये काफी डरावना सा स्टेशन लग रहा है, देखो एक बार, रात में तो बैंड बज जाए यार। साथ हमें देख लो ये न्यूज़पेपर भी मिल गया, और अभी कोई तो टनल आ रहा है। इस रूट में टनल भी बहुत सारा है। वैसे अभी वो पूछ कर भी गए कि आपको चाय चाहिए या कॉफी, एक चाय और एक कॉफी मैंने ऑर्डर कर दिया है। देखो आता है तो वो भी दिखाता हूँ आपको, और हमारा ब्रेकफास्ट भी आएगा तो वो भी दिखाते हैं आपको। लो जी अभी टाइम चेक कर लो, 7:31, सुबह का 7:30 बज रहा है अभी, और ये आ चुका है अपना चाय, साथ में आइकॉनिक मारी बिस्कुट। वैसे देख लो ये तो अपना गर्म पानी है, बिस्किट तो खैर साइड करते हैं, और साथ में ये टी किट आया, चाय सामग्री। वो पूछ रहे थे कितने देर में ब्रेकफास्ट दें, मैं बोला आधा घंटे बाद दे देना, लगभग 8 बजे के बाद। यही मजा है फर्स्ट एसी कूप का, कोई है नहीं, आराम से बाहर के नजारे देखो। हालांकि जो ग्लास है गंदा हो रखा है, अभी कौन सा कोई स्टेशन आया, होनावर। फिलहाल अभी अपना चाय बनाते हैं। सुबह का 8:30 बज रहा है, और ये आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में भाई साहब काफी कुछ दिख रहा है। वैसे आपको पता है इस ट्रेन में डिनर सर्व नहीं किया जाता है, इसलिए ब्रेकफास्ट में देख लो काफी कुछ है। एक एक करके मैं सब कुछ दिखाऊंगा। बाय द वे ये इम्तियाज भाई से मिलो, काफी मतलब रात से ही काफी कुछ मतलब पूछ रहे थे कि सर कुछ चाहिए होगा तो बताना, तो सुबह सुबह देख लो ब्रेकफास्ट में इतना कुछ इन्होंने सर्व करा है, तो एक एक करके सब कुछ दिखाएंगे आपको। अगर आप इस रूट में जर्नी करते हो तो आप इसी रूट में रहते हो जी सर, मतलब ये दोनों तो मेरा जी है, तो अगर आप एर्नाकुलम और मुंबई वाले दुरंतो में जर्नी कर रहे हो तो आपको इम्तियाज भाई मिल जाएंगे फर्स्ट एसी में। हाय हेलो कर देना मेरे तरफ से भी, थैंक यू इम्तियाज भाई इसके लिए। देख लो काफी अच्छे से इन्होंने सर्व किया है। और एक चीज देखो, ये जो कॉर्नफ्लेक्स होता है ना, इन्होंने मतलब पैकेट में नहीं दिया है, बाउल में निकाल कर यहाँ पे देख लो मिल्क भी देकर चले गए वो। और इसके अलावा भी काफी कुछ है, एक एक करके मैं सब कुछ दिखाता हूँ आपको। पहले कुछ फोटोज वगैरह ले लेते हैं। ये ऑमलेट के अलावा इसमें है आपका उपमा, ये ब्रेड है, आज बनेगा अपना मोहित स्पेशल सैंडविच इतने दिनों बाद, ये कटलेट हो भाई साहब, और ये है पोहा। तो यहाँ पे ना लाइक आपने देखा होगा मैक्सिमम जैसे ट्रेनों में क्या होता है कि दो ऑप्शन देते हैं ये, कटलेट या फिर ऑमलेट का, मतलब वेज या फिर नॉन वेज का। वेज लेते हो तो आपको कटलेट मिलता है, नॉन वेज लेते हो तो आपको ऑमलेट मिलता है। लेकिन यहाँ पे इनके पास पोहा और उपमा का भी ऑप्शन था, तो मैं बोला भाई एक काम करो ना दोनों ही दे दो हमें, तो बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। वही इम्तियाज भाई जो थे अपने, वही आए थे पूछने के लिए रात में। तो इतना कुछ देख लो हमारे ब्रेकफास्ट में आज होने वाला है भाई, देख कर ही कितना बढ़िया लग रहा है ना। और वैसे देख लो यहाँ पे मैं बता दूं क्या क्या आया हुआ है, ये तो पोहा हो गया, ये कटलेट है, कॉर्नफ्लेक्स तो है ही, साथ में ये गर्मा गर्म मिल्क, यहाँ पे मैंगो जूस, बनाना, केचप, बटर, सैनिटाइजर, शुगर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, काफी कुछ आया हुआ है देख लो काफी कुछ। और इसमें भी सेम ही है, बस यहाँ पे ऑमलेट है साथ में उपमा है, बाकी अपना ब्रेड भी है, पोहा भी है, पोहा तो मैं ऐसे ही खाऊंगा। तो देख लो थंबनेल के लिए मैंने एक ही प्लेट में ये सब कुछ सजा लिया था, काफी अच्छा लग रहा है ना वैसे इतना कुछ आया हुआ है ब्रेकफास्ट में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं पोहा ट्राई करता हूँ, फिर उपमा भी ट्राई करूंगा, बाकी आपको टेस्ट बताते हैं कैसा है। चलो ट्राई करते हैं अपना ये पोहा, नो डाउट बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज का कमी है, केचप का। तो मैं जब भी पोहा खाता हूँ ना घर पे भी, तो ऊपर से केचप डाल के खाता हूँ मैं, थोड़ा सा ये केचप,
अब आ गया स्वाद, बहुत बढ़िया। तो जी अपना गर्मा गर्म कॉफी भी आ चुका है और ये जो कॉफी है ना पेंट्री कार में बन के आया है। थैंक यू इम्तियाज भाई। इम्तियाज भाई हम लोगों का काफी अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, लाइक हमें सब कुछ ना कुछ चाहिए होगा तो बता देना। अच्छा लगता है वैसे, मैंने देखा है फर्स्ट ऐसी कूप मेरा, पैसा तो लगता है लेकिन लोग भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा सर्विस आपको बहुत बढ़िया सर्विस मिल जाएगा, और अगर इम्तियाज भाई जैसे कोई हो तब तो सर्विस डबल हो जाता है। तो अभी चलो उपमा ट्राई करते हैं। मैं थोड़ा ना गीला गीला सा लग रहा है लेकिन ठीक है, ठीक ठाक सा। क्या व्यू दिख रहा है यार, वैसे दिखेगा नहीं आपको लेकिन बहुत बढ़िया व्यू है क्योंकि ना हमारा विंडो उतना क्लीन है नहीं, इसलिए। उपमा ट्राई किया, पोहा ट्राई किया, पोहा मेरे को ज्यादा अच्छा लगा तो पोहा मैं ही खा रहा हूँ। अभी यहाँ पे ऑमलेट भी है, कटलेट भी है। कटलेट एक काम करते हैं, लवली ट्राई कर लेगी, देख लो अंदर में कुछ ऐसा है। बीट रूट, गाजर, बीन्स वगैरह दिख रहा है। अच्छा गरम भी है, फ्रेश भी है। चलो बढ़िया है। आज बनने वाला है मोइन साइडेड स्पेशल नॉनवेज सैंडविच। नॉनवेज में बस ऑमलेट ही जाएगा, बाकी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी है तो ये खाएंगे आराम से। चलो जी, सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है ब्रेड। ब्राउन ब्रेड होने से ज्यादा अच्छा है लेकिन अब इस ट्रेंड में है नहीं तो क्या करें। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लगाना है इस पे बटर, ये देख लो बटर। अब इसको चारों और ब्रेड में ना अच्छे से लगा लेना है। अब बटर लगने के बाद इस पे जाएगा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ऐसा जरूरी नहीं है आप भी डालो, लेकिन मेरे को पसंद है ब्लैक पेपर। मैं सूप में, ब्रेड में, सैंडविच में हर जगह ब्लैक पेपर डालता हूँ। अब जाएगा इस पे केचप। मोहित स्पेशल सैंडविच है तो मैंने एम लिख दिया यहाँ पे। वैसे मैं गिना चुना फ्रेंच फ्राइज भी डालता हूँ लेकिन ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, ये आलू का भुजिया लग रहा है, इसको साइड ही कर देते हैं। ऑमलेट पूरा नहीं जाएगा, ऑमलेट जाएगा आधा। ये ऑमलेट चला गया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ये ऊपर से ब्रेड। तो यहाँ पे देख लो ये अपना मोहित स्पेशल ऑमलेट सैंडविच बन के हो गया है रेडी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बनाया तो अच्छा लग रहा है, एक बार लवली से भी ट्राई करवाते हैं। अब ये मत बोलना क्या मोहित भाई लवली को अपना जूठा खिला रहे हो। अच्छा है ना ऑमलेट भी, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मैं ऑमलेट लेने वाला हूँ भाई अलग से, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये सब कुछ भी है, खाना जल्दी से खत्म करते हैं नहीं तो थोड़ी देर में अपना स्टेशन भी आ जाएगा और एक घंटे में। कॉफी भी है यहाँ पे, कॉफी का भी रिव्यू दे देंगे कॉफी कैसा है। चलो भाई, इस ट्रेन में एक ही चीज मिला खाने को, ब्रेकफास्ट, वो भी जिस टाइप का ब्रेकफास्ट हमें पसंद है वैसा ब्रेकफास्ट मिला, और क्या चाहिए। वैसे देख लो ये मैंने कॉफी भी ले लिया है, कॉफी का कलर देखकर तो नो डाउट अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं कॉफी कैसा है। यार मेरे को तो अब सच में मन कर रहा है मैं मुंबई तक जर्नी करूँ इस ट्रेन में। मतलब ब्रेकफास्ट इतना अच्छा है, कॉफी इम्तियाज भाई ने इतने अच्छे से बनवा के लेकर आया है हमारे लिए, बताओ। लंच एंड डिनर भी कितना बढ़िया से बनाकर लाते हैं। ऐसा मैं कभी किसी ट्रेन के लिए नहीं बोलता लेकिन ये जो कॉफी है ना ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफी लग रहा है। कितने जगह हम लोग को रेस्टोरेंट में ऐसा कॉफी मिलता था। चलो भाई कॉफी अच्छा है, एक तो गर्मा गर्म। ब्रेकफास्ट हो गया डन, और सच बता रहे ना ब्रेकफास्ट करने बैठ रहे हैं और बाहर का इतना अच्छा अच्छा नजारा देख रहे हैं ना, मन कर रहा है ब्रेकफास्ट छोड़ के जाए बाहर नजारा दिखाए आपको फिलहाल। और यहाँ से ज्यादा नहीं 40 किलोमीटर दूर है मडगांव, अपने को वहीं पे ट्रेन को डिवोट करना है। और मैं बता दूं मडगांव स्टेशन में ना इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। लो जी भाई अभी देख लो ऑलमोस्ट 10 बजने वाला है, हमारा स्टेशन भी आने ही वाला है थोड़ी देर में। और यहाँ पे देख लो मैडम का चाय आ चुका है, जो इम्तियाज भाई है ना बोले सर चाय पीना है, मैं बोला मैं तो नहीं पीऊंगा इसको दे दो, कॉफी के बाद चाय कौन पीता है, ये भी सही है। हाँ जी, तो यहाँ से जो मडगांव रेलवे स्टेशन है बस 3 किलोमीटर रह गया है तो वही जा रहे हैं अभी गेट पे, सामान वगैरह रेडी कर लिया हम लोगों ने। वैसे 10 बजे पहुँचने का टाइम था, अभी कितना हो रहा है 10:07 हो गया। बस मडगांव अपना ट्रेन एंटर कर ही रहे हैं। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मडगांव। ट्रेन अपना यहाँ पे 10 या 12 मिनट डिले आया है, चलो कोई बात नहीं। हमारा जो होटल है ना जिंजर होटल है, एकदम स्टेशन से निकलते ही पास में ही है, ज्यादा दूर है नहीं। वैसे इस दुरंतो एक्सप्रेस का इस स्टेशन में 10 मिनट का हॉल्ट है। ये अपना एर्नाकुलम एसी दुरंतो एक्सप्रेस और इस साइड में अपना वंदे भारत। हाँ जी, तो अपना दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ से निकल चुका है। अब इसके बाद ये जो ट्रेन का स्टॉप है ना वो है रत्नागिरी। वैसे यहाँ से निकलने के बाद वो अपना होटल देख लो दिख रहा है, स्टेशन से ही अपना होटल दिख रहा है, ये जिंजर होटल है, वॉक करके ही चले जाएंगे। तो देख लो जी ये मडगांव रेलवे स्टेशन और ये सामने ही अपना होटल है, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में। और एक चीज मुझे क्या दिखा तुम बता ही नहीं, एक बात तुम्हारा वाइन शॉप भी है, गंगा वाइन शॉप, चोरी छुपे बिजनेस।
हाँ जी, तो अभी रूम में हम लोग चेक इन कर लिए हैं। होप कि आप लोगों को मेरा इतने दिन बाद ये फर्स्ट एसी का जर्नी अच्छा लगा हो। तो देख लो कुछ ऐसा अपना रूम है। 2 बजे का चेक इन टाइम था लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मिल गया पहले ही हमें। और इसके अलावा व्यू देख लो भाई साहब, अगर कोई रेल फैन है ना इससे अच्छा क्या ही व्यू हो सकता है। सामने में देख लो वंदे भारत भी है, पूरा मडगांव रेलवे स्टेशन दिख रहा है। तो यही कुछ अपना रूम है, बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रॉपर एक टूर दे दूंगा। Or lucky as you know that this trip was really awesome and super. वो इतनी अच्छी जर्नी थी। टोरंटो के जो कलर देख के ना मैं दिल खुश हो गया, इतनी येलो स्किन कलरफुल था। और बाकी खाना बड़ा अच्छा था, इतना खाने का अच्छा था, डिनर का खाना ही इसमें ना डिनर इंक्लूड होता ना भाई ने ही कहा गया था इतनी अच्छी सर्विस मेरे प्याज पड़ते हैं तब तक के लिए। बाय बाय।